दोस्तों आज थी नाइट शिफ्ट और देखो रात के 11 बज रहे हैं इस समय। रात को 11 बजे आ रहा हूँ घर, तो भाई जापान में नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि 6 बजे छुट्टी हो जाए। ये देखो सड़क का व्यू, और इस समय घर पे जा रहा हूँ तो काम तो करना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं है कि 9 से 6, 9 से 5 ड्यूटी करो, काम तो करना ही पड़ेगा। अपने हिसाब से चल नहीं सकते। कंपनी का अगर ऑर्डर है कि तुमने नाइट शिफ्ट करनी है, नाइट शिफ्ट मतलब सेकंड शिफ्ट, तो देखो रात के 11 बज रहे हैं इस समय, 11:30 दिख रहा होगा आपको पूरा अंधेरा। तो इस समय घर जा रहा हूँ, और देखो अब घर में जाके खाना भी बनाना है, सब कुछ करना है। तो खाना तो कौन बनाएगा, खाना तो अभी खा के आया हूँ बाहर से, लेकिन जिसको बाहर नहीं खाना है तो वो तो बेचारा घर में जाके ही खाना बनाएगा। और अगर डेली डेली बाहर भी खाना खाएंगे तो भाई सच्चाई ये है कि पैसे भी तो कमाने आ रखे हैं ना जापान में, मस्ती करने तो आ नहीं रखे, पैसे भी तो कमाने हैं। और अगर डेली डेली बाहर ही खाना खाओगे तो फिर तो लग गए वाट, फिर तो खाओ और कमाओ बस। इसलिए जब तक हैं, सच्चाई तो यही है भाई कि पैसे भी कमाने हैं और अपना एंजॉय भी करना है। तो इस तरह से होती है यार जापान की लाइफ। जापान की क्या, इंडिया में भी नाइट शिफ्ट वाले बथेरे हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल तो जापान के बारे में बता रहा हूँ आपको। देखो तो अब जाता हूँ घर दोस्तों। अगर आपको भी अगर जापान आने की सोच रहे हैं तो भाई ऐसा भी करना पड़ेगा, चाहे आप आईटी सेक्टर से आएँ, चाहे मेडिकल सेक्टर से आएँ, चाहे हॉस्पिटैलिटी से आएँ, चाहे किसी भी सेक्टर से आएँ, यू हैव टू मैनेज एंड यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ विद योर वर्क्स। सो बी प्रिपेयर इन योर माइंड, दिमाग से प्रिपेयर होना पड़ेगा तब जाके कुछ हो पाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं नहीं आता ना, जापान में नहीं होता। यस, यू हैव टू से यस। तो और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना यार, और ऑलरेडी जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनका तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं कर रखा है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं आपको जो है तो इसी तरह से जापान की रियलिटी बता सकूं कि क्या रियलिटी है जापान की। थैंक यू वेरी मच।